अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा बिटिया, अपना जमाए बाबू का ध्यान रखना, हम चलते हैं। माय, हमें भी तुम मेरे साथ ले चलो ना। क्या कह रही हूँ, ये तुम्हारा ससुराल है ना बिटिया, तुम इसको छोड़कर कैसे जा सकती हो? नहीं माय, ये हमारा ससुराल नहीं है, हम जबरदस्ती आए हैं। तूने क्यों कराई हमारी पकड़वा शादी डॉक्टर बाबू के साथ? तू जानती थी ना हम कितनी नफरत करते हैं पकड़वा शादी से, और तूने वही रिश्ता जोड़ दिया हमारा डॉक्टर बाबू के साथ। हमको माफ कर दो बिटिया, हमारे पास और कौन रास्ता नहीं था। एक तरफ उस शक्ति सिंह जैसा शैतान हमको मजबूर करके जबरदस्ती तुमसे शादी कर रहा था, दूसरी तरफ थे नेक और इतने अच्छे इंसान डॉक्टर बाबू, जिनसे पकड़वा शादी करके हम तुम्हारी जिंदगी नरक से बचा सकते थे। हम ये रास्ता चुन लिए, चल लिए बिटिया। पर हम डॉक्टर बाबू से पकड़वा शादी करके कोई खुशी नहीं मिली है माई, हम खुश नहीं है यहाँ। कोई परवाह नहीं करता हमरी, कोई नहीं चाहता कि हम यहाँ रहे। मानते हैं कि जमाई बाबू के परिवार वाले अभी तुमसे थोड़ा नाराज हैं पकड़वा शादी की वजह से, पर जमाई बाबू तो तुमको अपना लिए है ना, कितना परवाह करते हैं तुम्हारा। जमाई बाबू की तरह ही तुम्हारे ससुराल वाले भी ना अपनी नाराजगी भूल कर तुमको अपना लेंगे। हम जा रहे हैं, पर जाते जाते आपसे विनती है, आप पकड़वा शादी की वजह से हमारे गहने से नाराज है ना, उसका इसमें कोनो दोष नहीं है, हम सच कहते हैं, हो सके तो उसको माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा उसको। चलते हैं बिटिया, चिंटू और पिंटू ना बस अड्डा पर इंतजार कर रहे हैं, ख्याल रखना अपना। लड़की कहा है ये सब? हाँ, तुम और तुम्हारी माँ ये धतूरा चाटी हो का? कहा कह रही थी पकड़वा शादी के लिए? जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पकड़वा शादी करवाई तो तुम्हारे पति से माफी मांगे, उसके घर वालों से माफी मांगे, हमसे काहे मांग रही हैं? तुम का हमरे घर की बहू हो नहीं ना? हम तुमसे ई कहने आए थे कि देखो नवरात्रि सर पे है, हम एक गरीब औरत का दिल नहीं दुखाना चाहते, इसलिए तुम्हारी माई के खातिर तुमको आखिरी बार माफ कर रहे हैं। तुमने इतना बड़ा तमाशा किया उसके बावजूद, समझे? लेकिन ई आखिरी चेतावनी, इसके बाद अगर तुमने कोनो गड़बड़ की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी लड़की? सर हलाओ हमें। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? एक तरफ माई के अरमान, दूसरी तरफ डॉक्टर बाबू के साथ पकड़वा और उसके परिवार का सम्मान, अब हम किस तरफ जाएं?
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुझे पता है ना, मंगलसूत्र पहन लेने से तू आयुष्मान की पत्नी नहीं बन जाएगी। अगर तुझे लगता है कि अपनी पकड़वा शादी का सच परिवार वालों से छिपा कर तूने मेरा दिल जीत लिया है, मुझे तुम्हारी शादी को मानने के लिए मना लिया है, तो ये गलत फहमी में मत रहना। तेरे दिल में कोई भ्रम ना रहे ना, इसलिए चल मेरे साथ, दिखाती हूं तुझे मैं कुछ। पंडित जी, आपने कहा था कि आयुष्मान की पहली पत्नी की जान को खतरा है, इसीलिए आपके कहने पर मैंने आलिया से पहले गहना से उसकी शादी करवाई। तो फिर आलिया और आयुष्मान की शादी की रस्में पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? ग्रहों की दशा अब आलिया के पक्ष में है। आयुष्मान की पहली पत्नी का बुरा समय अब शुरू हो गया है, बहुत जल्द उसकी जान चली जाएगी और उसके बाद आयुष्मान और आलिया का विवाह बिना किसी अड़चन के हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए पंडित जी। ऐसा ही होगा। ये देख, हमारा परिवार देख कितने खुश हैं हम एक साथ। और ये आलिया जो हमारे परिवार के एल्बम का हिस्सा बनने वाली है। और क्यों? क्योंकि वो इस परिवार के एल्बम का हिस्सा बनने के लायक है। जचती है मेरे आयुष्मान के साथ, पढ़ी लिखी है, उसके साथ उठ बैठ सकती है, और तू, तेरा कोई तालमेल नहीं है मेरे आयुष के साथ। इसलिए मेरी बात मान ले और इस परिवार की फोटो एल्बम का हिस्सा बनने की कोशिश भी मत करना। कमला माई, आप हमें गलत समझ रही है। आपको हम कैसे यकीन दिलाए कि हमारे मन में ऐसा कछु भी नहीं है? देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।